Sayşan. Zindabad. On cergen ekeme son Sayşan. Zindabad. Hay kamara hem kamara. Hayran Rusi çağırdı. Zindabad, Zindabad. Ne için yürüyen Zindabad. Zindabad, Zindabad. Ne için yürüyen Zindabad. Ameri bahne Zindabad. Zindabad, Zindabad. Amera tata Zindabad. Zindabad, Zindabad. Zindabad, Zindabad. Kargil vale Zindabad. Zindabad, Zindabad. Kalgan vale. जम्मू कश्मीर नेशनल कोऑर्डिनेशन एच एम आर एंड जे के सिक्स एम्प्लॉज की आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने दिल्ली से प्रोटेस्ट कॉल की थी। रिसेंटली लास्ट ईयर हमारा प्रोटेस्ट 35 दिन का चला था। हमारी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट चला था। हमारी तीन ही डिमांड है और थ्री डिमांड्स इज रिगुलेशन ऑफ सर्विसेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली जो स्ट्राइक चली थी पिछले साल, उसमें सरकार के साथ मायदा तय आया था, जिसमें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और जो बाकी सरकार के आला अफसर हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके साथ एक मायदा तय हुआ था। जम्मू कश्मीर नेशनल स्पीड एम्प्लॉज के दरमियान एक एग्रीमेंट बना था। उस एग्रीमेंट में 9 पॉइंट तय किए गए थे, मगर उन 9 में से भी मेरे ख्याल से 3 हल हुए हैं, बाकी जो 6 बचते हैं वो अनफुलफिल्ड है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गवर्नर इंतजामिया को बताना चाहूँगा, अगर वाकई वो संजीदा है जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारने में, तो एन एच एम एम्प्लॉज, जे के सेक्स एम्प्लॉज और आरंट एम्प्लॉज को मसले को सीरियसली लिया जाए और एक पॉलिसी के साथ सामने आए। रिसेंटली हमारे कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें डॉक्टर्स भी है और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, कुछ डेथ जो बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं उनके लिए कोई एग्जिशन पॉलिसी नहीं, जिनके बच्चे आज सफर कर रहे हैं। आपके माध्यम से फिर बताना चाहूँगा कि अगर सरकार वाकई संजीदा है हमारे मसले को लेके, तो एक संजीदगी के साथ सामने आए। हम भी नहीं चाहते कि रोड हिट करें, जिसमें मेरे डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में पेशेंट देखना, मगर बदकिस्मत हमें बार बार रोडों पर आना पड़ता है। मेरी गुजारिश है कि गवर्नर जमे से कि हमारे मसले को संजीद से लिया जाए, ताकि हम अपने ड्यूटी पर लौट जाए। अगर आपके मसले हल नहीं किए, क्या प्रोग्राम है? अभी हमने 48 दिन का प्रोग्राम दिया, कल जो जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, आगे की रणनीति तय करेगी।